दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। विद्युत चोरी पकड़ने गए दल पर किया पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़े, अधिकारियों से मारपीट कर कपड़े फाड़े। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव रीचपुरा में सोमवार शाम को विद्युत चोरी पकड़ने गई निगम की टीम पर ग्रामीण महिला पुरुषों ने एक राय होकर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर मारपीट की, यहां तक कि विद्युत अधिकारियों ने ग्रामीणों के कपड़े फाड़ दिए और जेएन योगेश के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए तथा उनकी मारपीट कर दी। पथराव में सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। घटना के बाद आज मंगलवार को विद्युत निगम धौलपुर के एएन भास्कर खत्री ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विद्युत निगम धौलपुर के एक्सएन रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि कल शाम को रीचपुरा गांव में विद्युत दल बिजली चोरी पकड़ने के लिए गया था। इस दौरान विद्युत चोरी करते हुए 4-5 लोगों को पकड़ा था। कार्रवाई करने के बाद टीम वापस आ रही थी, इसी दौरान गांव में ही ग्रामीण महिला पुरुषों ने एक राय होकर दल पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में दल के कई सदस्यों को चोटें आई हैं। घटना को लेकर आज राजकार में बाधा डालने वाले, जान से मारने की नीयत से हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, गले से सोने की चेन लूटने ले जाने तथा मारपीट करने का मुकदमा 6-7 लोगों सहित अन्य लोगों के खिलाफ सदर थाना धौलपुर में दर्ज कराया गया है। धौलपुर जिले में पहली बार ड्रोन से किया गया फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव। ड्रोन की मदद से आज मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में खड़ी तिल व अरहर की फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के पशुपालन वैज्ञानिक शिव मूरत मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले में ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव करने का यह पहला प्रयोग है। ड्रोन की मदद से कैसे स्प्रे किया जाता है, कितने समय में स्प्रे किया जाता है, किस तकनीक से स्प्रे किया जाता है आदि का प्रदर्शन कर किसानों को दिखाया गया। उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से किसान विज्ञान केंद्र के फार्म पर खड़ी अरहर व तिल की फसल पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे का प्रदर्शन कर किसानों को दिखाया गया। इस अवसर पर उपस्थित किसानों में उत्साह देखा गया। वैज्ञानिक मीणा ने बताया कि ड्रोन की मदद से 15 मिनट में 2 बीघा जमीन पर आसानी से स्प्रे किया जा सकता है। यह विधि किसानों के लिए कम लागत वाली विधि है, इसको किसान को अपनाना चाहिए। इस प्रदर्शन के समय कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर नवाब सिंह, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा, कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कच्छावा, एग्रोमैक रिचपाल पुनिया व लोकेंद्र आदि उपस्थित रहे। इससे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा इसे ड्रोन तकनीक, कार्य क्षमता, लागत के बारे में किसानों को पूरी तरह प्रशिक्षित दिया गया। ड्रोन स्प्रे प्रदर्शन के समय जिले भर में 30 प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा को प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। रायाखेड़ा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा की पत्नी और कांग्रेस के युवा नेता विवेक सिंह बोहरा की मां स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज मंगलवार को उनकी स्मृति एवं श्रद्धांजलि स्वरूप गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में संचालित गल्ला मंडी धूलकोट रोड पर सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में स्थित तीनों इंदिरा रसोई में खाना खाने के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई। इस दौरान स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा के पुत्र विवेक सिंह बोहरा सिटी कोतवाली स्कूल स्थित इंदिरा रसोई में मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। इस दौरान स्वर्गीय बोहरा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा के पुत्र विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि मेरी माँ ने हमेशा गरीब, असहाय और दीन दुखियों की सेवा करने की मुझे प्रेरणा दी। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ और आज है जो कुछ भी हूँ वह उन्हीं की शिक्षा, दीक्षा और प्रेरणा की वजह से हूँ। इस मौके पर शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक गणेश कुमार धाकरे, शिक्षा विद्याकांत सक्सेना, नगर परिषद धौलपुर के पूर्व उप सभापति इसरार खान, भारत बंसल, जहूरा आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आज 7 सितंबर है और आज मेरी माँ की बरसी है, आज उनकी पुण्यतिथि है
एक साल पहले वहाँ में छोड़ के गई, तो उनकी स्मृति में और उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में आज का एक कार्यक्रम इंदिरा रसोई पर रखा गया है। हम सब मित्रों का प्रयास है, सम्मिलित प्रयास है कि एक निःशुल्क भोजन का कार्यक्रम यहाँ रखा है, और मैंने प्रेरणा पाई है, मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, मेरी इच्छा थी, और आप सबका जब साथ मिला तो आज ये कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम कुछ कर पाए अपने नगर के लिए, और बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा अच्छा भोजन है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं पहली बार आया हूँ, देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी लोग इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ें। मैं तो जुड़ूंगा ही जुड़ूंगा, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने नेक कार्य किया है। बहुत बहुत माता जी मेरी बहुत अचानक चली गई, बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत उनका मधुर व्यवहार था, बहुत शांत थी, और हमें इतने संस्कार और सिद्धांत दे गई जो आजीवन हमारे काम आएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सिद्धांतों के तहत चलते हुए अपना जीवन आगे गुजारूं, और जो जो उन्होंने संस्कार हमें दिए हैं उस अनुसार हम समाज की, देश की सेवा कर सकें, ये मेरा है। चंबल नदी में नहाते समय नाबालिग को खींच कर ले गया मगरमच्छ। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के चिल्लीपुरा गांव में कल चंबल नदी में नहाने के दौरान एक नाबालिग बच्चे को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। सूचना पर पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बालक को खोजने के प्रयास किए, जिसके बाद रात्रि को बालक का शव चंबल किनारे मिला है। उसके बाद उसके शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बसईडांग इलाके के चिलीपुरा गांव में 15 वर्षीय धर्मवीर पुत्र लज्जाराम गुर्जर के यहाँ उसका भांजा सोनू पुत्र राजवीर आया हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना के बरवासन गांव का रहने वाला था। पिछले 2 महीने से वह मामा के घर ही रुका हुआ था। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे चंबल नदी पर गया तो नदी में उतरते ही उसे पानी में मगरमच्छ ने खींच लिया। इसके बाद युवक की काफी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। देर रात्रि को उसका शव चंबल किनारे मिला, जिसका आज बाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। के बच्चे खेल रहे थे तो सबसे बड़ा लड़का था, तो अचानक कोई मगर ने ले लिया है, क्या है पता नहीं है, एकदम पानी में चला गया है। जब सूचना मिली है तो एसडीआरएफ टीम आई है भटपुर से, और पूरा तहकीकात करने पर फिर नाइट में ये बोडी मिली। विद्युत निगम धौलपुर के ठेकेदारों ने एसी को दिया ज्ञापन, कार्य करने की दरों में संशोधन करने की मांग। विद्युत निगम धौलपुर के ठेकेदारों द्वारा आज सोमवार को सर्किल ऑफिस धौलपुर पर यूनियन जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह सकरवार के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता वीएल वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एआरसी 2021-22 की दरों को पुनः संशोधित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा एआरसी की दर निर्धारित की जानी है, तथा किसी निविदाकार फर्म द्वारा TN 517 की न्यूनतम दर -30% डाली गई है, जो कि वास्तविकता में वर्तमान में महंगाई के हिसाब से वह श्रम संसाधन के मद्देनजर कार्य करने योग्य नहीं है। ज्ञापन में बताया गया है कि समस्त सर्किल के निविदाकार ठेकेदार इस दर का विरोध करते हुए इसे अस्वीकार करते हैं। ज्ञापन में कार्यकारी दरों के लिए बातचीत करने एवं नियम के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि इन दरों पर कोई भी फर्म या ठेकेदार कार्य करने को तैयार नहीं है। ज्ञापन देने वालों में मनु इलेक्ट्रॉनिक्स, वीके एंड सन्स, रामलखन इलेक्ट्रिकल, प्रतवा इलेक्ट्रिकल, पीताम्बरा इलेक्ट्रिकल, जय श्री राम इलेक्ट्रिकल, भूदेव इलेक्ट्रिकल, यादवेंद्र इलेक्ट्रिकल, चौधरी इलेक्ट्रिकल, द्वारका इलेक्ट्रिकल सहित जिले के कई ठेकेदार मौजूद रहे। 6/7/9/2021 को अपने सर्किल ऑफिस धौलपुर पर हमारे यूनियन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश सिंह सिकरवार द्वारा के सानिध्य में हम समस्त ठेकेदारों ने एआरसी 2021-22 की दरों का विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रीमान अधीक्षण अभियंता श्री बीएल वर्मा जी को ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये जो ज्ञापन है एमडी साहब तक पहुंचाएंगे। हमने 2021-22 की एआरसी की दरों को पुनः संशोधित करने के लिए निवेदन किया,
कि -30% पर हम समस्त ठेकेदार काम करने के लिए असहमत हैं, काम नहीं कर पाएंगे और भविष्य में व्रत धौलपुर के समस्त ठेकेदार यूनियन के जिलाध्यक्ष सब पूर्णतः इन दरों का विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी जो 30% माइनस की गई दरें वो समय और परिस्थिति के अनुसार आज की महंगाई को देखते हुए संशोधित नहीं की जाएगी तब तक हम इनका विरोध करते रहेंगे और कोई भी ठेकेदार भाई कार्य नहीं करेगा। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉम फोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने वाडी रोड धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5-स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5-स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर सवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। मंत्रालय कर्मचारियों ने किया सीएम के स्वस्थ होने के लिए यज्ञ। 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग। धौलपुर जिले भर के मंत्रालय कर्मचारियों ने आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में हवन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मंत्रालय कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों द्वारा 15 सितंबर 2021 को जयपुर में बाबू अधिकारी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने बताया कि पिछले लंबे समय से मंत्रालय कर्मचारियों की मांगें लंबित चल रही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा घोर अपेक्षा कर कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया विगत कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ चल रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के मंत्रालय कर्मचारियों ने आज हवन यज्ञ कर मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ होने पर लंबित चली आ रही 11 सूत्रीय मांगों को शीघ्र लागू करें। उन्होंने कहा 15 सितंबर 2021 को जयपुर राजस्थानी मुख्यालय पर बाबू अधिकारी रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के दौरान राजस्थान प्रदेश के समस्त मंत्रालय कर्मचारी भाग लेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी, देवेंद्र कश्यप, नरेश परमार, रामकिशोर पाठक, शिव कुमार शर्मा आदि मंत्रालय कर्मचारी मौजूद रहे। गोपाल अवस्थी, जिला अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी भाषण। आज दिनांक 7 सितंबर 2021 को मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए चल रहे आंदोलन के क्रम में प्रदेश के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वास्थ्य लाभ हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया है कलेक्ट्रेट परिसर में, जिसमें विभिन्न विभागों के सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारी भाई शामिल हुए हैं। और ये कार्यक्रम पंडित जी श्री गिरीश शर्मा जी के द्वारा संपन्न कराया गया। आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वस्थ होंगे तथा मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सहानुभूति उपचार कर 15 तारीख से पूर्व स्वीकृत करें। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार आज संपूर्ण राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंत्रालय कर्मचारियों ने आज हवन का आयोजन किया है। चंद्रशेखर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ
आज हम सभी कार्मिक मंत्रालय कार्मिक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए हमने यज्ञ किया है, उसमें हम जल्द से जल्द प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हों। हैप्पी बर्थडे प्रिय दोस्त राहुल और सूरज। अनिल शर्मा की ओर से राहुल और सूरज को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के मछरिया गांव में बचपन से ही सच्ची मित्रता के प्रतीक राहुल और सूरज, जिनको मित्र के रूप में पाना वाकई जीवन की संपदा है, मेरे भाइयों को हृदय के अतः स्थल से जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं। संकट मोचन हनुमान जी महाराज जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आपका प्रिय दोस्त अनिल शर्मा, मछरिया। घर के बाहर खड़ी बाइक को उड़ा ले गए चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में अवस्थी कॉलोनी में घर के सामने रखी एक बाइक के चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें चोर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी कर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। घटना के बाद पीड़ित की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम करीब 7 बजे अवस्थी कॉलोनी बाड़ी निवासी आयुर्वेद कंपाउंडर गोपाल कृष्ण शर्मा के घर पर उनकी बाइक रखी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस बाइक को 2 अज्ञात शख्स चुरा कर ले गए हैं, जिन्होंने पहले कॉलोनी में रेकी की और बाद में बाइक का ताला तोड़कर उसे उड़ा ले गए। घटना के बाद पीड़ित गोपाल कृष्ण शर्मा की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बाड़ी शहर में बाइक चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। पुलिस अभी तक किसी भी चोर गिरोह का पता नहीं लगा पाई है। बैंक परिसर, अस्पताल, कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है जहाँ से बाइक चोरी न हो। ऐसे में शहर के नागरिक परेशान हैं और बार बार उपखंड प्रशासन से अज्ञात चोर गिरोह का खुलासा करने की मांग कर रही है। बुजुर्ग के कपड़ों पर सॉस डालकर थैले से 50,000 रुपए पार। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बैंक परिसरों के आसपास सातिर चोर और बदमाशों का गिरोह सक्रिय है, जो बैंक से पैसे निकालने वाले लोगों को वारदात का शिकार बनाते हैं। कल सोमवार को भी एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए गिरोह द्वारा एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया गया, जिसके थैले में से 50,000 रुपए की रकम पार कर दी गई। गिरोह के लोगों ने ठीक टाउन चौकी पुलिस के पास एक दुकान के बाहर बैठे बुजुर्ग के कपड़ों पर सॉस डालकर उसे कपड़े धोने के लिए विवश कर दिया। जब बुजुर्ग कपड़े धोने गया तो थैले में रखी 50,000 रुपए की रकम को पार कर दिया गया। घटना के बाद बुजुर्ग ने पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी के सनौरा गांव निवासी बुजुर्ग रामनाथ पुत्र बोधा सिंह परमार बैंक में से पैसे निकालने आया था, जिसने पीएनबी बैंक एवं बड़ौदा बैंक से 50,000 रुपए निकाले और अपने थैले में रखकर गांव जाने लगा। इसी दौरान वह वारदात का शिकार हो गया। बैंक का मतलब 50,000 रुपया निकाल कर लाए, बड़ौदा की पंजाब डाली गाँव में और बल मैंने गट दिए 50,000 की समारे के मन में डल लिया ऊपर से डल लो सामान का दुकानों का तो लेके ना नोन फोन सब नीचे भी डल लो और जे आए के आए बैठे जब पटिया पे आ बैठे उसमें जब बैठे तो कहें काम ने बुट डालिए वो तो का हो जाते मैं तो जानता रहा हूँ बात। हाँ सुबह बहुत डरी मैंने कही जिकोन डाली जिकोन डालिए मुझ पर दी को उन्होंने बामोड़ा दे गई खरे खीरा बा लगाए जा दे गई कहीं भन्ना पता तो मैंने ये कौन डाल देगी बेटा मेरे को तब नहीं वो कह थे मेरे को तो आपको पता कब पड़ा पैसे निकल गए हैं? फिर पैसे तो मांग धरे मैं धर रहा ही गाँव में धर रहा है पैसे सर फिर मैं जय धो लूँ बेटा मैंने जब फैला हूँ मैं फैला पर वो जय को हाथ नहीं लगाई थी कि चिंता मेरे का कुछ नहीं लगा मैं धो धो चलो गाँव बस बच्चे ही निरा करिए आए फैला पकड़ो मेरे लोग। बुधवार को वार्ड 25 में पहुंचेगा फास्ट ट्रैक रिपोर्टर, वार्ड भिनमड़ कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फास्ट ट्रैक के वार्ड भिनमड़ कार्यक्रम के तहत कल बुधवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 25 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछ के उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर
7733-9599-09 है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां जीरो डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल जॉनी। मोबाइल नंबर 7014-2782-00। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषिव कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव बिछोला के ग्रामीणों ने आज मंगलवार कलेक्ट्रेट धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर उसे जोत लिया है और उसे अपनी भूमि में शामिल कर लिया है। अवैध रूप से हो रही इस जुताई पर ग्रामीणों द्वारा टोकाटाकी की जाती है तो दबंग लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही दबंगों ने ग्रामीणों को धमकी दी है कि किसी ने जमीन को जोतने से मना किया तो उसे जान से मार देंगे। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ये भी बताया कि इस संदर्भ में पहले भी जिला कलेक्टर और तहसीलदार को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए और गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में भोले पोसवाल, सुखदेव सिंह, गोपाल, मेघ सिंह, गुमानी, सुरेंद्र, श्रीराम, लज्जाराम, बनवारी लाल, हुकुम सिंह, राम भरोसी आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरा नाम भोले पोसवाल विचोला। हमारा जो 132 गोचर जमीन है वो गांव के लोगों ने घेर रखा है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने अभी एक्शन लेने का आश्वासन दिया है और हम ये गांव के सभी लोग आए हुए हैं। हम कलेक्टर साहब से ये कहना चाहते हैं उसको कब्जा को हटवाया जाए वहाँ से और हम तहसीलदार को, पटवारी जी को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। मैं गांव बिचोला का बिजेंद्र सिंह कुशवाहा हूँ। हमारे गांव के दबंग लोगों ने हमारी गौचर भूमि 132 बीघा को अवैध कब्जे में ले लिया है, जिसे हम छुड़वाना चाहते हैं। इसके बारे में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, तहसीलदार को दे चुके हैं, पटवारी जी को भी दे चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दे दिया है लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया है। हम उनसे आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को उठाएं, जिससे कि गौ आराम से उसमें चर सके। सैपऊ में आरसीएम बिजनेस के डिस्प्ले बॉल का हुआ शुभारंभ। सैपऊ में मंगलवार को आरसीएम बिजनेस के डिस्प्ले बॉल का शुभारंभ हुआ। जानकारी के अनुसार सैपऊ कस्बे के बाड़ी रोड स्थित ग्रीस मरैया के निज निवास पर डिस्प्ले बॉल का शुभारंभ किया गया। प्रोपराइटर हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि कस्बे में डिस्प्ले बॉल खुल जाने से आरसीएम के ग्राहकों को खरीदारी से संबंध हो रही भारी परेशानी से निजात मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समाज सेवी कमला देवी के द्वारा की गई। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रॉयल्टी अचीवर संजय शर्मा व जगदीश प्रसाद जगरिया लखेपुरा द्वारा फीता काटकर की गई। इस मौके पर योगेश शर्मा, प्रिंस शर्मा, काना शर्मा, महेश बंसल, शिव शंकर शर्मा मलहेला, सुरेश शर्मा गुर्जरपुरा आदि व्यापारी वर्ग के लोग उपस्थित रहे।
मूलभूत सुविधाओं को तरसता बाड़ी का गांव हुसैनपुरा अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित है। गांव जिले के विधानसभा क्षेत्र बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा का गांव हुसैनपुरा जो बाड़ी धौलपुर मेगा हाईवे 11B पर करीब 3 किलोमीटर अंदर स्थित है, लेकिन इस गांव को जोड़ने वाली सड़क के नाम पर पत्थर का खरंजा है जिसका डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ है। वहीं गांव के 2 महीनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को अभी तक नहीं बदला गया है। ऐसे में ग्रामीण बिजली और सड़क दोनों परेशानियों से जूझ रहे हैं। साथ में गांव में पानी भराव की भी बड़ी समस्या है जिससे ग्रामीण खासे परेशान भी है। गांव की महिला बैजंती ने बताया गांव में पेयजल की परेशानी है। गांव में एक ही हैंडपंप है जिससे पूर्ति नहीं हो रही है। गांव की गलियों में पक्के खरंजे नहीं है जिससे 12 महीने दलदल रहता है जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा है। पिछले साल भी गांव में बीमारियां फैली थी। अब सरकार से मांग की है वो गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था के साथ गलियों में पक्का खरंजा एवं नालियों का निर्माण कराएं ताकि गांव में पानी की किल्लत मिट सके और बीमारियां नहीं फैलें। वहीं बुजुर्ग ग्रामीण भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया गांव में पिछले करीब 3 महीने से बिजली गुल है क्योंकि ट्रांसफार्मर फूक गया है, लेकिन विभाग कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। बरसात का मौसम है, गांव में जहरीले सांप विचरण कर रहे हैं, रात को अंधेरी में खतरा रहता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, लेकिन गांव हुसैनपुरा की सड़क को देखकर लगता है कि शायद सरकार एवं जिम्मेदार प्रशासन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भूल गया है। सड़क की समस्या पर अफसोस जताते हुए गांव के ही कुमार सेन चरण सिंह व राम लखन ने बताया कि गांव की आबादी लगभग 1500 के करीब है पर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ आज तक नहीं मिला। पिछले साल लिंक रोड से गांव तक पत्थर खरंजे का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक उस खरंजे का डामरीकरण नहीं हुआ है जिससे आवागमन में परेशानी होती है। प्रशासन से मांग है कि गांव की पथरीली सड़क का डामरीकरण कर लिंक रोड से जोड़ा जावे। श्री भगवान शर्मा, गेस्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। बताइए गांव में क्या क्या समस्या है? ये सर साहब, हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है, डीपी 4 महीना से फूक गई है और एक रास्ता खराब पड़ा है, गांव में हो रहा है, खरंजा नहीं है। अच्छा, हाईवे रोड से जुड़ने के लिए गांव के लिए सड़क है? सड़क नहीं है साहब, खरंजा है। सड़क होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए गाँव में? बहुत सारे पुलिया बनी थी हमारे नाले। बताइए क्या समस्या है? हमारा जो रोड का समस्या है सर, एक डावर का रोड होना चाहिए। हमारा जो बहुत प्रॉब्लम आती है निकलने में और स्कूल में भी सर आते हैं वो भी परेशान होते हैं। परेशान, हाँ, इसीलिए इसकी डावर रोड होना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में हेडपम्प होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? और जहाँ नाले खड़े जाने चाहिए, जो टट्टी फट्टी कत्ता ना ने तो जे कीच बहुत होती है जहाँ सड़क पे। अच्छा, सड़क पर कीच होती है। हाँ, बीमारी फैलते और जो खड़ा पक्को हो जाना चाहिए। आम रास्ते में पक्की दीवार बनाकर किए अतिक्रमण को प्रशासन ने कराया ध्वस्त। सैंपू में धौलपुर मार्ग स्थित मड़ी मोहल्ला में आम रास्ते में पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत पर प्रशासन ने JCB चलाकर कार्रवाई की है। तहसीलदार राकेश गिरी, विकास अधिकारी व पुलिस जवानों सहित प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आम रास्ते पर पक्की दीवार के निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान दीवार निर्माण कर रहे लोगों की ओर से विरोध भी जताया गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है। रेसला की मनिया व मरैना की कार्यकारिणी गठित। मरैना के योगेंद्र सिंह व मनिया ब्लॉक के राकेश कुमार बने ब्लॉक अध्यक्ष। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया धौलपुर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक रेसला की ब्लॉक मनिया एवं मरैना की कार्यकारिणी का पुनर्गठन रतन सिंह लोधा जिला अध्यक्ष रेसला धौलपुर के निर्देशन में किया गया। चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य उमेश शर्मा एवं पर्यवेक्षक चेतराम जादौन, विजय सिंह राठौर पर्यवेक्षक के सानिध्य में चुनाव सम्पन्न किया गया, जिसमें मरैना ब्लॉक में योगेंद्र सिंह गुर्जर को ही पुनः ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया तथा पूरी कार्यकारिणी पुनर्गठित की गई। मनिया ब्लॉक में सर्वसम्मति से राकेश कुमार को ब्लॉक अध्यक्ष, भारती बंशल को उपाध्यक्ष, आशुतोष चंदेल को ब्लॉक मंत्री, अतेंद्र को ब्लॉक कोषाध्यक्ष, शैली शर्मा को महिला मंत्री,
कुलदीप सिंह को संगठन मंत्री, सुमित शर्मा को ब्लॉक प्रवक्ता, रंजन सिंह को सलाहकार, महेश प्रताप सिंह को ब्लॉक सभा अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव अधिकारी प्रधानाचार्य शर्मा ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए रेसला की रीत नीति के अनुसार रेसला को मजबूती प्रदान करने की बात कही। पर्यवेक्षक चेतराम जादौन ने बताया कि रेसला एकमात्र संगठन है जो व्याख्याता हित में हमेशा कार्य करता है। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि मैं व्याख्याता हित में हमेशा ही संघर्ष करता रहूंगा। इस अवसर पर जगमोहन सिंह, मुरारी लाल, उमेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ने राजाखेड़ा की बदहाली पर उठाए सवाल। राजाखेड़ा भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने आज राजाखेड़ा कस्बे के अलावा संपूर्ण विधानसभा की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। आपराधिक गतिविधियों को दिनों दिन बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक जगह चोरी, डकैती, लूट व बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसके अलावा राजाखेड़ा कस्बे में प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल विफल है, जहां कस्बे में उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी, तहसीलदार व विकास अधिकारी जैसे अहम पद खाली चल रहे हैं, जिस पर उच्च नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया है और उसी वजह से यहाँ आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ राजाखेड़ा कस्बे में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार व संबंधित विभाग मनमानी में लगे हैं। प्रभावशाली लोगों तक दबाव के चलते समय समय पर पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन आम आदमी इसकी किल्लत से परेशान है। पानी मिल भी रहा है तो वह गंदा व अशुद्ध जल सप्लाई हो रहा है। वरना राजाखेड़ा की जनता मजबूर होकर के कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उचित नहीं है, क्योंकि इस समय COVID-19 का समय है। प्रदर्शन करना, धरना देना, प्रशासन को के काम में बाधा डालना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी को आप मजबूर मत कीजिए और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण कीजिए और जो खाली पद पड़े हैं उनको भरिए, क्योंकि आगे आप अभियान चलाना चाहते हैं और बिना कर्मचारियों के अक्टूबर के महीने में कैसे अभियान होगा, कैसे आप चुनाव कराएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजाखेड़ा की जनता पर थोड़ा रहम कीजिए। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, वरना जनता को मजबूर होकर आंदोलनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।